बिहार को लेकर बीजेपी नीति एनडीए में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं इस बीच चिराग पासवान ने पार्टी की लोजपा की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के हाजीपुर, जमई, खड़िया, समस्तापुर, वैशाली, नावदा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय में प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस कदम को चिराग पासवान की ओर से बीजेपी को यह संदेश माना जा रहा है कि वो 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। अरविंद कुमार सिंह, हाजीपुर, अमरेंद्र सिंह जैसे कई नेताओं को यहां पर वो प्रथम तौर पर उतार रहे हैं। वहीं पासवान फिलहाल खुद जमई से सांसद हैं। उन्होंने हाजीपुर सीट पर प्रभारी नियुक्त कर अपना दावा ठोक दिया। बता दें कि उन्होंने चाचा पशुपति पारस यहां से सांसद हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में टूट पड़ गई थी। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोजपा और चिराग लोजपा रामविलास नाम से अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नावदा से चंदन सिंह, खड़िया से महबूब अली कैसर और वैशाली से वीना देवी, समस्तापुर से प्रिंस राज लोक राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं। वहीं बाकी की सीटों पर चिराग पासवान ने पार्टी ने नया दावा ठोका है। सीट बंटवारे से पहले इन सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति का कारण पूछे जाने पर चिराग की पार्टी ने सूत्रों से मीडिया से कहा कि ये सीटें हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं और इसमें सीट बंटवारे में जो भी सीटें मिलेंगी उन पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की जाएगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए में 3 पार्टियां शामिल थीं, बीजेपी, जेडीयू और एएलडी। जेडीयू और बीजेपी ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि एलजेपी के खाते में 16-6 सीटें ही आई थी। अब ऐसे में लगातार चिराग के इस दावे से बिहार पर लगातार राजनीति भड़की हुई है। बता दें कि चिराग ने जो 11 लोकसभा सीटों से लेकर यहां पर बड़े प्रभारियों का ऐलान कर दिया, उससे सबकी तबीयत यहां पर गड़बड़ाई है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही। जो बीजेपी जीत के आंकड़े के पास चल रही थी, वहीं चिराग पासवान अकेले के जो सांसद थे उन्होंने अचानक 11 और सीटों का ऐलान कर दिया, जिससे बाद से यहां पर अन्य दलों की हालत खराब है और कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है।